ये तस्वीरें हैं एक छोटी सी दुकान चलाने वाले कृष्ण गोपाल की, जिसके हाथ में है 12 करोड़ 23 लाख का रिकवरी नोटिस। जी हाँ, एक और लापरवाही जो की है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने। दरअसल मामला है राजस्थान भीलवाड़ा शहर का, जहां एक बार फिर इनकम टैक्स नोटिस से जुड़ा चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां स्टेशनरी की एक छोटी सी दुकान चलाने वाले दिव्यांग युवक को जब इनकम टैक्स का 12 करोड़ 23 लाख रुपए से ज्यादा का रिकवरी नोटिस मिला तो उसके होश उड़ गए। करोड़ों रुपए के रिकवरी नोटिस मिलने के बाद विकलांग युवक किशन गोपाल छापरवाल ने अब भीलवाड़ा के सुभाष नगर थाने में मामला दर्ज करवाया है। पता चला है कि युवक किशन गोपाल के नाम से गुजरात के सूरत शहर में करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ है, जो फॉर्म सेट जेम्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से आया है। युवक ने इस बारे में सूरत की फॉर्म के साथ दुष्यंत वैष्णव के खिलाफ मामला रजिस्टर करवाया है। गोपाल कृष्ण छापरवाल ने पुलिस केस दर्ज करवाने के बाद मीडिया के सामने अपना दर्द भी बयान किया। मेरी एक छोटी सी दुकान है और मैं विकलांग आदमी हूँ, गरीब आदमी हूँ, और मेरे इनकम टैक्स वाले ने 12 करोड़ 23 लाख निपट जाकर नोटिस भेज दिया है, और मेरे पहले से मेरे बकाया चल रहा है बैंकों का, नई किस्तें जमा हो रही नहीं कुछ, मैं 12 करोड़ 23 लाख निपट जा कहाँ से जमा करूँगा। ये लेटर मेरे को 28 तारीख को दिन में 1:30 बजे बाद मिला था, और मैं इसको लेटर को देखते मेरे होश उड़ गए, हमारे परिवार वाले के भी होश उड़ गए, और हमारा जीना आराम हो गया। और हम मेरी इतनी स्थिति नहीं है जैसे मैं परिवार चला सकूं, और मेरे कोई आगे पीछे को लेना देना नहीं इन कंपनियों से, और मेरे साथ फ्रॉड किया गया। मैं सुबह नगर थाने में और DST और कलेक्टर साहब से निवेदन करता हूं कि मेरी गाड़ी जल्दी से जल्द कार्रवाई की जाए। क्या काम करते हैं आप? मैं फोटोग्राफी हो, एक छोटी सी दुकान है मेरी कॉपी किताबों की जो मैं चलाता हूँ, बस। पैसे विकलांग भी हूँ। पीड़ित किशन की भीलवाड़ा में एक दुकान है और वह कभी कभी शादी ब्याह में फोटोग्राफी का भी काम करता है। पीड़ित किशन की आमदनी इसी से है, इससे वह अपना परिवार भी चलाता है। साथ ही इस काम से महीने की सिर्फ 8 से 10 हजार रुपए की ही इनकम है। इस पर विदित ने बताया कि भीलवाड़ा के आयकर अधिकारी दिलीप राठौर ने संजय कॉलोनी भीलवाड़ा में रहने वाले कृष्ण गोपाल छापरवाल को पिछले साल 2019-20 पैन कार्ड से फॉर्म सेट प्राइवेट लिमिटेड में 53,16,709 रुपए और दुष्यंत वैष्णव को 11,70,73,000 रुपए का टैक्स, जिसका कुल होता है 12,23,90,000 रुपए का बकाया आयकर टैक्स की वसूली का नोटिस जारी किया है। फिलहाल पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और जांच भी शुरू कर दी है।